निजीकरण के विरोध में FSNL के कर्मचारियों की हड़ताल जारी। निजीकरण के विरोध में भिलाई में स्थित फेरी स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल सेल के तमाम इकाइयों में किए जा रहे हैं। वहीं जापानी कंपनी को FSNL सौंपने के आदेश को रोक लगाने के लिए कार्मिक हड़ताल पर चले गए हैं। अधिकारी और कर्मचारी काम पर नहीं है। करीब 3,000 की हड़ताल होने की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। FSNL स्टील सेक्टर का एक अभिन्न अंग है। कैबिनेट ने इसके निजीकरण का निर्णय लिया है। वहीं FSNL यूनियन प्रेसिडेंट अरुण सिंह सिसोदिया ने बताया कि 3,000 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय संपत्ति को केवल 320 करोड़ में जापान की एक निजी पार्टी को सौंपा जा रहा है। FSNL को बिक्री सूची में शामिल किए जाने के बाद से हम इसके निजीकरण और विनिवेश के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कैबिनेट के FSNL के निजीकरण के फैसले के खिलाफ इस्पात उद्योग के हर कोने में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज भिलाई में स्थित फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कार्यालय के सामने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। सीटू इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए आंदोलनकारी कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त कर रहा है। वहीं इस आंदोलन में FSNL के अधिकारियों कर्मचारियों के समर्थन में इंटेक से संबंधित यूनियन भी सड़क पर उतरी हुई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल सेल के तमाम यूनियन भिलाई, राउरकेला, इसको, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो स्टील प्लांट में एक साथ हड़ताल की जा रही है। निजीकरण हो गया, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो रोड में आ जाएंगे भैया। और ये कंपनी हमारी माँ है, इसको सरकार बेचना चाहती है। और अगर इसको बेचेगी तो हम हमारे पूरे साथियों के साथ इसको बिकने नहीं देंगे, भले लगे तो हम अपनी जान भी दे देंगे। तो जापान कंपनी को तो बेच चुके हैं, आप फिर क्या करेंगे? हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। 200 परिवारों का, पूरा 2-3 हजार परिवारों का इसमें चल रहा है, पेट चल रहा है, भरण पोषण चल रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? कल की डेट में जो भी आएंगे हमको भगा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? अपने परिवार को लेकर कहाँ गुजारा करेंगे? जी भैया, विरोध कर रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं निजीकरण का? देखिए, जिस तरह से पूरे देश भर में निजीकरण की हवा चली है और देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण लगातार होते जा रहा है, और जो सरकार को एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ देने वाली कंपनियां उनको बेचा जा रहा है, वो भी उस मानसिकता के साथ कि पहले जो सरकारें थी उन्होंने अमेरिकन कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को सरकारीकरण करके भारत सरकार का एक अंग बनाया, लेकिन वर्तमान में कुछ वर्षों तक सरकार का अंग रहने के बाद अब जापानी कंपनी को फिर से बेचा जा रहा है। एक तरह से विदेशी हाथों में ये सरकार को दिया जा रहा है, इस देश को दिया जा रहा है। इसका कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ इंटक और सीटू और सारे दल विरोध भी कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, जो वर्तमान में भारत सरकार का उपक्रम था जिसे जापानी कंपनी को बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया गया है, तो हमारी जो मांग है असली कि इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाभ देने वाली कंपनी है और जब से 1979 से बनी है सिर्फ और सिर्फ इसने लाभ देने का काम किया है, और ऐसी कंपनी को अगर बेचा जा रहा है तो निसंदेह एक शक उपजता है। और हमने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि शायद उनको अंधेरे में रख के कुछ नीचे के लोगों के द्वारा इस संस्था को बेचा जा रहा है, उसको सुनते हुए उस पर रोक लगाए। और हमने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए सरकारी लाभ देने वाली कंपनी को निजीकरण से रोका जाए। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।